हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश मशीन में। सो हम बात करेंगे कि 9th ऑफ जैन को हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या एनालिसिस करके चलनी है, कौन से स्टॉक्स है जो हमें आउट परफॉर्म करा के दे सकते हैं इंट्राडे मार्केट के अंदर। सो गाइस, अब हम बात करेंगे कि देख सकते हैं कि ट्रेड वॉर की जो बात है यू ट्रंप और चाइना के बीच में चल रही है, US और चाइना के बीच में ये जो सेकेंड डे है आज वो चल रही है मीटिंग। और अभी भी ट्रंप ने जो ट्वीट करा है कि जो मीटिंग चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही है। सो गाइस, अब देखना बाकी है कि मीटिंग में क्या आता है। अगर मीटिंग बहुत अच्छी निकलती है जो हमें लगता है कि मार्केट इन दोनों के बीच में जो है वो सुलग जाएगी, तो गाइस अब हम कह सकते हैं कि मार्केट एक और अपमूव ले सकती है। पर गाइस, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अगर हम बात करें डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स की जो एक रेंज बन गई थी पूरे साल के अंदर वो बन गई थी 23,500 से लेके 26,500 की। गाइस, अब ये ट्रेड कर रहा है 23,400 या समथिंग इनके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर ये 23,400 को तोड़ देता है तो गाइस हमारी मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात होगी, और ख़ास में डाउ जोन्स के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि वो अपने लो से रिकवर कर रहा है और अपनी हाई की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। सो गाइस, वो भी देखना हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। शायद ये ट्रेड टॉक्स की जो मीटिंग चल रही है इसके बीच में ये शायद एक ब्रेकआउट दे दे ऊपर की तरफ, और हम देख सकें कि एक अच्छी मूव आ सकती है। पर अगर ये 23,300 को तोड़ देती है, सो गाइज ये हमारे मार्केट के लिए और उनकी मार्केट के लिए दोनों के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ बन सकती है। सो ये इसमें भी हमें वॉच करके चलना है, यानी कि हमें डाउ जोन्स को भी अब वॉच करके चलना होगा थोड़े टाइम के लिए कि वो किस तरीके से मूवमेंट देता है। गाइज, अब हम बात करते हैं कि कौन से स्टॉक्स हमें बाय करके चलने हैं, जिसमें है टाटा एलेक्सी, DLF, भारत फोर्ज, LTI, BPCL। गाइज, टाटा एलेक्सी में आपको बाय करने की सलाह दी जाएगी 985, 998 के टारगेट के साथ। स्टॉप लॉस आपको 959 का लगा के चलना है। गाइस, इसमें हमने देखा है कि एक बहुत क्लियर सपोर्ट देखने को मिला है। जिस लेवल पे ये क्लोज हुआ है, जो इसका आज का लो था, वो बिल्कुल एग्जैक्ट सपोर्ट पे इसने टच करा है, जो हम देख रहे हैं कि 4-5 महीने का इसका लो था। सो गाइस, अब हमें देखना है ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है, अगर वो मार्केट इसे देख सकते हैं कि मार्केट में जब भी ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को टेस्ट करता है वापस हमें एक अपमूव देखने को मिल जाती है, और कम से कम 30 पॉइंट्स की रैली तो ये मिनिमम दे ही देता है टाटा एलेक्सी। गाइस, आज भी इसने अपना लो मारा है, वही सपोर्ट लाइन पे मारा है ट्रेंड लाइन की। अब देखते हैं कि ये रैली वापस आती है या नहीं आती है। पर जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये रैली एक शॉर्ट टर्म रैली होगी, पर इसमें वापस एक फॉल आ सकती है, और बाई चांस ही अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, यानी कि 972 है, 965 के लेवल को ब्रेक कर देता है, तो 953, 932 का लेवल आराम से ये इंट्राडे के अंदर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं टाटा एलेक्सी में। पर गाइस, अभी मैं आपको बाय करने की ही सलाह दूंगा। अभी आप इसे वॉच करके चलेगा कल कि किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर हमारी तरीके से चल रहा है बाय की साइड में, तो आप इसे वापस बाय कर सकते हैं। DLF बाय करने की सलाह दी जाएगी। बहुत बढ़िया, इसने ब्रेकआउट दिया है 176 के लेवल के ऊपर, और अपने 100 DMA के ऊपर भी सस्टेन करना इसने शुरू कर दिया है। गाइस, आज उसने क्लोजिंग दिया, बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है, हम कह सकते हैं पॉजिटिव वे में भी क्लोजिंग दी है, पर अच्छी क्लोजिंग दी है। अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनते हुए आ रहा है वो 195 का बन रहा है। अगर ये 195 तक रीच कर जाता है और उसके ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, तो 210 के लेवल्स भी हम DLF में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, अभी भी आपको मैं इसको सलाह दूंगा, इसको होल्ड करके रखिए। बार बाई चांस 100 डे का ये मूविंग एवरेज इसने ब्रेक तो कर दिया है, पर अगर वहाँ से 2 दिन तक ये कंटिन्यूसली होल्ड कर लेता उस लेवल को, सो गाइज हम कह सकते हैं यानी कि 176 का लेवल अगर ये कंटिन्यूसली 2 दिन तक होल्ड कर लेता है, तो हमारी मार्केट के लिए या फिर DLF के लिए बहुत अच्छी बात है, और वहाँ से हम एक फ्रेश बाय बना सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 195। पर गाइज, अगर इसके नीचे निकल जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है। पर गाइज, अभी हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फॉल्स ब्रेकआउट देखने को हमें मिल रहे हैं। मार्केट एक ब्रेकआउट देती है, उसके बाद हम एक देख लेते हैं कि वापस मार्केट एक फॉल दे देती है अगले ट्रेडिंग सेशन में या उसी ट्रेडिंग टाइम पे, तो ये मार्केट एक बहुत फॉल्स ट्रेडिंग सेशन दे रही है। गाइज, कुछ ऐसे सेटअप्स बन गए हैं, सिस्टम्स बन गए हैं, जो हमारी मार्केट के साथ, हमारे स्टॉक्स के साथ ऐसे मैनिपुलेट करे जा रहे हैं। अब हमें देखना है कि मार्केट जब तक स्टेबल नहीं होती, हम किस तरीके से मार्केट में काम करें, तो हमें पर्टिकुलरली पर्टिकुलर स्टॉक्स को फिल्टर करके रखना पड़ेगा। हमें सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर स्टॉक्स में काम करके रखना पड़ेगा जिसमें हम देखते हैं कि ज़्यादा पर्टिकुलर गवर्नमेंट की न्यूज़ नहीं आती है, कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट रिलेटेड न्यूज़ नहीं आती है। सो गाइज, हमें उस फैक्टर्स में ही काम करना पड़ेगा, उन्हें फिल्टर्स करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें अपना ट्रेड लेना पड़ेगा, तभी हम अपना प्रॉफिट अभी कमा पाएंगे। भारत फोर्ज बाय करने की सलाह, सेम बिल्कुल जो पैटर्न हम कह सकते हैं, पैटर्न इन द सेंस नहीं, सेम ट्रेंड लाइन पे ही सपोर्ट लिया इसने जो इसकी क्लोजिंग है। गाइज, इसकी क्लोजिंग अगर ये सस्टेन कर जाता है, क्योंकि भारत फोर्ज है बहुत वीक स्टॉक, अगर ये इस लेवल पे सस्टेन कर जाता है जो इसकी क्लोजिंग है, जो इसका लो बनाया है,
465 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 477 481 का टारगेट आपको इसमें मिल सकता है कल इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन के अंदर अंदर, क्योंकि शायद ये वहां से एक और अप मूव दे दे और हम कह सके कि ये इंट्राडे अप मूव है। हम इसे नहीं कह रहे कि इसमें एक बाइंग वापस बन सकती है, पर ये एक इंट्राडे मूवमेंट रह सकता। LTI सेल करने की सलाह दी जाएगी आपको इसमें। 1700 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। 1678 1670 के टारगेट आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं LTI के अंदर। BPCL शॉर्ट करने की सलाह 348 344 के टारगेट के साथ, स्टॉप लॉस आपको 356 लगा के रखना पड़ेगा। कई ज़्यादातर जो भी आपको मैं स्टॉक्स इन सब में सजेस्ट करता हूँ, चाहे डेली बेसिस में करता हूँ, जिस तरीके से भी करता हूँ, मेरा जो ये स्टॉक सिलेक्शन करने का तरीका है कि मेरा है कि 2 दिन तक तो आप मिनिमम इसे होल्ड करके चले। 2 दिन तक इसका मतलब ये है कि मैं स्विंग ट्रेड्स ज़्यादातर देता हूँ। मेरे जो चार्ट्स में जो मेरे पैटर्न सजेस्टेड हैं, जो मैं एक ऑब्जर्वेशन करके देखता हूँ कि वो है कि मेरा स्विंग ट्रेड है। यानी कि अगर आज जो मैंने आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक दिया उसका टारगेट अगर आज नहीं अचीव होता तो यानी कि कल तो ज़रूर उसे अचीव हो जाएगा। सो गाइस, ज्यादातर अगर मैं देखूं तो मेरे स्विंग ट्रेड्स में यही हो रहा है। अब जो इंट्राडे की मूवमेंट है, वो इंट्राडे की मूवमेंट को मैंने फाइंड कर लिया है कि किस तरीके से हमें पर्टिकुलर स्टॉक में कितना पॉइंट्स के साथ काम करना पड़ेगा कि हम अच्छे खासे प्रॉफिट में एग्जिट कर जाए, तो हम उसी की शुरुआत करेंगे। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पर गाइस, इससे पहले मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में भी बताने वाला हूँ, जो आपको मैं चार्ट्स में लेकर चलता हूँ। और बैंक निफ्टी में जो एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, क्या वो सस्टेन कर सकता है, कि हम एक वापस एक फॉल देख सकते हैं, और निफ्टी में किस तरीके से वर्क हो रहा है, तो बढ़ते हैं चार्ट्स की तरफ। बैंक निफ्टी का चार्ट सबसे पहले ओपन करके रखा हुआ है, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहाँ पर मैं एक आर्ली चार्ट में आपको लेकर चलता हूँ। आर्ली चार्ट में आपको क्लियरली शो कर जाएगा किस तरीके से हमारी मार्केट को वर्क कर रही है। आप देख सकते हैं कि हमारी जो मार्केट है वो एक सेम ट्रेंड लाइन पैटर्न पे ही चल रही है। आप देख सकते हैं ये जो मैंने ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की और सपोर्ट की बना रखी है, जो इन बेसिस के ऊपर है, ना कि इसको ब्रेक कर रही है ना इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रही है। गाइस, अब आप देख सकते हैं कि मार्केट रिएक्ट किस तरीके से कर रही है। मार्केट रिएक्ट कर रही है कि मार्केट एक वापस अप मूव देती है, वापस एक फॉल आ जाती है, ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले लेती है, वापस सपोर्ट लेने के बाद एक अपूव आती है, प्रीवियस जो स्विंग हाई है उसको ब्रेक कर देती है। आप देख सकते हैं कि प्रीवियस स्विंग हाई को इसने ब्रेक कर दिया था, इस लेवल पे वापस हमने एक फॉल आते हुए देख ली थी। फॉल आने के बाद हमने देखा इस लाइन ने, हैमर ने, इस पे एक इनडिसाइसिव जो कैंडल बनी है इसने इस पे सपोर्ट लिया, वापस एक अपूव आई और प्रीवियस हाई को इसने तोड़ दिया। कई प्रीवियस हाई को इसको तोड़ चुका है बैंक निफ्टी, बहुत पॉजिटिव मोमेंटम में है। तो अब किस तरीके से हम मार्केट में सोचें, क्या बैंक निफ्टी वापस इस ट्रेंड लाइन की तरफ बढ़ना शुरू कर रहा है जो कि 27,700 का लेवल है, कि वापस ये इस पैटर्न को फॉलो करेगा जो हम इस टाइम से देखते हुए आ रहे हैं। पैटर्न किस तरीके का, कि मार्केट ने अप मूव दी, नीचे आई, मार्केट ने प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ा, वापस नीचे आया, फिर मार्केट ने वापस स्विंग हाई को तोड़ा, वापस मार्केट नीचे आ सकता है और यहाँ पर 10,300 के लेवल पर डिप ले सकता है, यानी कि 200 पॉइंट का करेक्शन हम और देख सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। अगर बैंक निफ्टी के अंदर 200 पॉइंट्स का करेक्शन आ जाता है, सो गाइज मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप वापस बैंक निफ्टी को बाय करिए फॉर अ टारगेट ऑफ 27,700। ये हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन के आएगी, क्योंकि जो बैंक निफ्टी है 27,500 पर क्लोज हुआ है, जो कि मिड लेवल है, और वहां से 200 पॉइंट की अपमूव और 200 पॉइंट की गिरावट, यानी कि रेजिस्टेंस 200-200 पॉइंट का, तो हम ट्रेड करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर हम सिर्फ इन कैंडल्स को ही ऑब्जर्व करें तो हमारी बैंक निफ्टी सजेस्ट कर रही है कि शॉर्ट करो, 200 पॉइंट्स का हमें टारगेट एक्सपेक्ट हो सकता है, मिनिमम टू मिनिमम 150 पॉइंट्स का टारगेट एक्सपेक्ट हो सकता है। पर अगर हम इस पूरी रेंज को देखें तो हमें लगता है कि वापस 27,700 तक जा सकती है। तो अब हमें वापस देखना है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है। अगर 27,570 के लेवल को मार्केट क्रॉस कर जाती है तो हम फिर एक फ्रेश बाय भी बना सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, तब तक के लिए हम कोई भी बाइंग नहीं बनाएंगे। सो अगर अब हम बात करते हैं निफ्टी के अंदर, तो अगर हम कंपेयर करें निफ्टी टू बैंक निफ्टी, निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं आ रही है, बिल्कुल एक कंसोलिडेशन जोन में जा चुका है, कंसोलिडेट कर रहा है, करेक्टिव मूव की बात तैयारी कर रहा है। अब देख सकते हैं कि इस 100 मूविंग एवरेज को आर्ली चार्ट में ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इतने टाइम से ही कैंडल्स हम देख रहे थे। इसने देखा था कि परसों की ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था कि एक अपमूव आई थी मंडे में, और उसके बाद उस गैप को भी आज इसने फिल कर दिया था। आप देख सकते हैं निफ्टी ने उस गैप को भी फिल कर दिया था। वापस फिल करने के बाद यहाँ पर लोगों ने अगर फ्रेश बाइंग बनाई होगी तो इस फ्रेश बाइंग से निफ्टी को होल्ड कर सकते हैं, और यहाँ पर इसका हम कह सकते हैं कि एक शॉर्ट टर्म एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी, जो हमारी मार्केट को एक सपोर्ट दे सकती है।
गाइज मैं आपको सलाह यही दूंगा, जब तक ये 10,820 के लेवल को क्रॉस नहीं करती है, 840 के लेवल को सॉरी क्रॉस नहीं करती है, तब तक हम इसमें एक फ्रेश बाइंग नहीं बनाएंगे निफ्टी के अंदर। 840 का लेवल जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करेगी, हमारी तरफ से फ्रेश बाइंग निफ्टी के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी, पर हम शॉर्ट भी करके नहीं चलेंगे। हमें निफ्टी के अंदर अभी कोई भी मूवमेंट नहीं लेनी है, हमें कोई भी बाइंग जोन नहीं बनाना या सेल साइड में ट्रेड नहीं करना, हमें बैंक निफ्टी में ही अभी ऑब्जर्व करके चलना। सो गाइस कोई वीडियो पसंद आई होगी तो उस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मुझे बताइएगा कि मैं और कौन सी वीडियोस अपलोड कर सकता हूँ जिससे आपको सबसे ज़्यादा फायदा होते रहेगा, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। गाइस बेल आइकन को दबाने से होगा ये कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियोज अपलोड होती रहेंगी, और अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक लगता है कि इसमें कोई ऐसा पैटर्न बना हुआ है जो सर आपके बहुत काम आ सकता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं उसे ऑब्जर्व जरूर करूंगा, और अपने कल के ट्रेडिंग सेशन में उसको इंट्राडे मूवमेंट के लिए जरूर रखूंगा कि ये आप बाय करके चल सकते हैं। सो गाइज मुझे रिकमेंडेशन जरूर भेजते रहिएगा, मेरे ट्विटर हैंडल को भी आप फॉलो कर सकते हैं जिसमें मैं हमेशा इकोनॉमी के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ डालते रहता हूँ कि मार्केट के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा है जिससे हमारी मार्केट इंपैक्ट कर सकती है, पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में भी सजेस्ट करते रहता हूँ, मैंने अपने क्लाइंट्स को क्या दे रखा है, क्या है, क्या पर्टिकुलर चीज़ें मेरी होल्डिंग में है, क्या पोर्टफोलियो में है। सो गाइज ट्विटर हैंडल को भी आप फॉलो कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और जो कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। सो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।